नमस्कार नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड उपा यूनिवर्सिटी से बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पार्ट लेके आई हूँ, केमिकल रिएक्शन ऑफ विसिनल ग्लाइकॉल्स और डाइल्स। विसिनल ग्लाइकॉल का मतलब हो गया जिसमें दो ओएच ग्रुप होते हैं, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, डाइल्स भी कहते हैं। इसकी जो केमिकल रिएक्शन है, इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन में पार्ट 7 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कुछ आज मैं एक्सप्लेन करूंगी। जो आज आपकी एक्सप्लेन होगी उसके आगे की रिएक्शन कंटिन्यू चल रही है, ठीक है? तो उसके बाद जो कंटिन्यूटी में है रिएक्शन, रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी कि विसिनल ग्लाइकॉल यानी कि डायोल्स की रिएक्शन किसके साथ, एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ। ग्लाइकॉल रिएक्ट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड टू गिव साइक्लिक एसिटल्स और कीटल्स। क्या बनाता है? इनकी प्रेजेंस में वो साइक्लिक एसिटल यानी कि कीटल्स बनाता है। अगर कीटोन है तो कीटल्स कहलाता है। विच फर्दर मे गिव द कीटोन और एल्डिहाइड व्हाइल ट्रीटिंग विद HIO4। दिस रिएक्शन कैन बी यूजफुल टू प्रोटेक्ट द कार्बेनिल। इस रिएक्शन का यूज इसको हम किसके साथ ट्रीट करते हैं, HIO4 के साथ ट्रीट करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, फ्यूचर में एल्डिहाइड या कीटोन की प्राप्ति होगी। और यह रिएक्शन बहुत यूजफुल होती है किसके लिए, रिएक्शन यूजफुल फॉर टू प्रोटेक्ट द कार्बेनिल ग्रुप को, क्या कार्बेनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम इसको ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखिए ये आपका ग्लाइकॉल है, ठीक है? ग्लाइकॉल को आप प्रिंट कर रहे हो आपका इसके साथ, ये आपका क्या है, RC डबल बॉन्ड हो, यानी कि कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप के साथ आप ट्रीट कर रहे हो, तो आप देख रहे हो कि हम जब इसको एल्डिहाइड ग्रुप के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारा देखिए क्या निकल रहा है, एलिमिनेट द H2 मॉलिक्यूल्स। हम क्या एलिमिनेट कर रहे हैं, H2O मॉलिक्यूल्स, ये दिख रहा है आपको, दिस इज द H2 मॉलिक्यूल्स। H2 मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो गया। सो वी फाइंड आउट व्हाट, CH2 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 CH2, ये हो गया O, ये हो गया O, ये हो गया C और ये हो गया RAH। हमारा क्या बन रहा है, साइक्लिक कीटल यानी कि कीटोन की प्राप्ति, साइक्लिक एल्डिहाइड की प्राप्ति होगी। अगर ये क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, हमारा कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड, ठीक। अगर हम इसको कीटोन के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, कीटोन की प्राप्ति होती है। कैसे, ये निकला सेम वे, क्या निकल गया आपका, H2O कीटोन दिख रहा है, RCOR, दिस इज द कीटोन। मैंने R ग्रुप देख के फाइंड आउट कर रखा है दिस इज द कीटोन। तो देन आफ्टर वी एलिमिनेट द H2 मॉलिक्यूल्स, हमारे क्या एलिमिनेट हो गया, H2 मॉलिक्यूल्स, वी फाइंड आउट CH2 CH2, ये है CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया O, ये हो गया O, देन C और ये R, R और ये R। तो हमारे इसके थ्रू क्या बनता है, कीटल, कीटल जो मैंने आपको पहले बोला, इससे हमें क्या बनता है, कीटल की प्राप्ति होगी। हमारे क्या बनेगा, कीटल, ये बोला देखा, कीटल्स की प्राप्ति होगी, हमारा क्या बनेगा, कीटल्स। विच फर्दर मेक द कीटोन और एल्डिहाइड, अगर इसकी जरूरत पड़ी तो बाद में क्या बनेगा, कीटोन और एल्डिहाइड की, कीटोन एल्डिहाइड हमें प्राप्त होता है। तो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकॉल टूडे, ठीक है? इससे पहले कि मैं कई रिएक्शन बता चुकी हूँ, उसके बाद ही हमारी कंटिन्यूटी में रिएक्शन है जो आपको मैं बोली हूँ। उसके जो सेकंड रिएक्शन आप जो आज ले रहे हैं वो हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइलीन ग्लाइकॉल विद HNO3 टू यील्ड से नंबर ऑफ सब्सटेंस एस फॉर्म। हम किसके साथ ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइलीन ग्लाइकॉल विद HNO3, किसके साथ, HNO3 टू यील्ड से नंबर ऑफ सब्सटेंस एस फॉर्म। इससे कई टाइप के सब्सटेंस बनते हैं, एक नहीं बनता है, कई प्रोडक्ट बनता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग कई प्रोडक्ट बनने की टेंडेंसी होती है। जैसे कि हम देखते हैं कैसे, ये देखिए हम जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ये है आपका ग्लाइकॉल, ठीक, हमने लिया ग्लाइकॉल, हमने क्या करा, इसका ऑक्सीडेशन करना है। आपको पता होना चाहिए, एक रूल आपको क्लियर होना चाहिए हमेशा केमिस्ट्री में, कि आपको OH का ऑक्सीडेशन करना है तो हमें क्या, कौन सा ग्रुप प्राप्त होगा, CHO ग्रुप प्राप्त होगा, और CHO को ऑक्सीडेशन करना है तो हमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऑप्टेन होगा, COOH। दिस इज द रूल ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि जब OH का ऑक्सीडेशन करोगे तो हमारा CHO मिलेगा, और CHO का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिलेगा, COOH। तो वही बात आज हमने ये वहां पर फॉलो करिए, देखिए क्या है हमारे पास, CH2OH, ये हमारा CH2OH, दिस इज द CH2OH, दिस इज डायोड, हमारे पास क्या है, डायोड, डायोड हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, सो हमने डायोड का ऑक्सीडेशन करा, दिस इज द ऑक्सीडेशन, ये हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन करके हमारा ऑक्सीडेशन हुआ तो OH किसमें कन्वर्ट होता है, कहा मैंने, CHO में, OH किसमें कन्वर्ट होता है, CHO में, तो दिस इज द CHO ग्रुप एंड वी गेट नीचे वाला ग्रुप एज इट इज लाइक अ CH2OH, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 बट स्लोली स्लोली, एक साथ दोनों OH ग्रुप ऑक्सीडाइज नहीं करके दिखा रहे हैं हम, मैं ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता है, आपको बताएंगे अभी। हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो CHO किसमें, ये किसमें चेंज हो गया, CH2OH, OH ग्रुप किसमें चेंज हो गया, CHO में, तो ये हो गया CH और O और बाहर का निकल के H2 बाहर आने लगे, डायरेक्टली मैंने शो कर दिया और ये बन गया नीचे वाला ग्रुप एल्डिहाइड। इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे, अगर तो हमें क्या मिलेगा, CHO तो ऑक्सीडाइज हो चुका है तो ये हो गया CHO, और CH2OH फर्दर किसमें ऑक्सीडाइज होगा, CHO में, ये हो गया CHO में, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लाई ऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लाई ऑक्साइड, जो आपको साफ यहाँ पर दिख रहा है, मैंने ये शो कर रखा है ग्लाई ऑक्साइड, ठीक। इस ग्लाइऑक्सल का फर्दर ऑक्सीडेशन अगर आप करते हो, फर्दर ऑक्सीडेशन आप करते हो
तो वी गेट COOH ग्रुप और दिस इज द COOH ग्रुप, क्योंकि मैंने आपको साफ बोल दिया रूल के अकॉर्डिंग CHO ग्रुप किसमें कन्वर्ट होता है, COOH ग्रुप में क्या होता है कन्वर्ट होता है, CHO किसमें चेंज हो जाता है, COOH में क्या हो जाता है आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा साफ दिख रहा है हमारा COOH ग्रुप। ठीक, तो ये देखिए ग्लाइकोल है HNO3 साल ऑक्सीडाइज करोगे तो CHO में चेंज होगा, नीचे वाला ग्रुप ऐसे ही रहा, नीचे वाला ग्रुप ऐसे ही रहा, फर्दर ऑक्सीडाइज करा तो ये COOH और COOH यानी कि ग्लाइकोल में चेंज हो गया, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करने से क्या हो गया COOH मिल गया, यानी कि ऑक्सीडिक एसिड की प्राप्ति हो गई। ठीक, अगर ऑक्सीडेशन कर रहे हो और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक एक स्टेप को यूज करो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपने ऑक्सीडेशन किया और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया, ग्लाइकोल लिया, ऑक्सीडेशन किया और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते दोनों ग्रुप एक साथ ही किसमें चेंज जाएंगे, CHO ग्रुप का, यानी कि ये क्या होगा CHO ग्रुप को ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है वो गलत है, वो भी सही है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करेंगे। ठीक, फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे, फर्दर ऑक्सीडाइज करने पर क्या बन जाएगा COOH और ये हो गया आपका COOH यानी कि ग्लाइकोल की प्राप्ति हो गई, यानी कि ऑक्सीजन को किसमें कन्वर्ट किया, ऑक्सीजनिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन मेथड टू ऑक्सीडाइज द क्या ग्लाइकोल, ऑक्सीडाइज को ग्लाइकोल को क्या करने का ऑक्सीडाइज करने का ऑक्सीडेशन मेथड था। ठीक है, मैंने कहा वेरियस मेथड कैन बी यूज, तो हम इसमें ऑक्सीडेशन के लिए हम दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन विथ KMnO4, अगर हम ऑक्सीडेशन किसके साथ कर रहे हैं विथ KMnO4 और K2Cr2O7 टू फॉर्म फॉर्मिक एसिड, ग्लाइकोल को ऑक्सीडेशन करते हो K2Cr2O7 या KMnO4 की वजह से तो क्या मिलता है हमें टू क्या लिख रखा है HCOOH, जिसे हम क्या कहते हैं HCOOH को हम क्या कहते हैं फॉर्मिक एसिड, हमें क्या मिलेगा इसमें फॉर्मिक एसिड ऑब्टेन होगा, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको फॉर्मिक हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब फॉर्मिक एसिड कैसे बना, देखिए मैं फिर फॉर्मिक एसिड बनाना बताती हूँ आपको, ये हो गया CH2OH, ठीक है ये हो गया CH2OH। ठीक है, हम फॉर्मिक एसिड बना रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, दो बन रहा है, तो देखिए फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है HCOOH, ध्यान से देखिएगा ये दिख रहा है आपको HCOOH। ठीक है, तो HCOOH देखिए एच सी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन का मतलब कितने भी यूज होते हैं HCOOH। ठीक है, ये हो गया HCOOH, बाहर क्या निकला है एच टू निकल, एक एच निकला है। ठीक है, या आप इसको ऐसे समझिए, और इसमें हो गया HCO, यहां से एक O लिया और ये हो गया H। ठीक है, HCOOH यानी कि दो फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बचे हैं, एक H यहां पर बचा है, एक H यहां बचा है, ऑक्सीडेशन में कितने भी O यूज कर सकते हैं, पहले भी ऊपर आपने एक O यूज करा, ये कह सकते हैं कि एक O यहां जाएगा, एक O यहां जाएगा, एक H2O ग्रुप में बाहर निकल जाएगा, एक H2O ग्रुप बाहर निकल गया तो बाहर क्या निकल गया आपका H2O और हमें टू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड आउट होंगे, एकदम इमीडिएटली याद नहीं हो पाता, इसलिए मैं आपको याद करके बता रही किस तरह से निकालोगे फॉर्मिक एसिड। H हमारे हमें निकाला HCOOH, तो ये हो गया HCOOH, यहाँ पर एक H बचा है ऐसी HCOOH। ठीक है, H और यहाँ पर एक H बचा है, दो H यहाँ पर बचे, एक यहाँ से लिया, हमें क्या मिल गया फॉर्मिक एसिड ऑब्टेन हो गया, हमारा फॉर्मिक एसिड की प्राप्ति। तो यानी कि ग्लाइकोल का जब ऑक्सीडेशन कर रहे हो किसके साथ KMnO4 के साथ या K2Cr2O7 के साथ, वो स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइज होकर क्या दे रहा है फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, क्या बना रहा है फॉर्मिक एसिड बना रहा है। ठीक, इसके बाद है आपकी ऑक्सीडेशन विद लेड एसिटेट और HIO4, अगर हम इसको लेड एसिटेट या HIO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बन रहा है, आप देखिए ध्यान से क्या बन रहा है HCHO, यानी कि HCHO को क्या कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, हमें क्या मिल रहा है फॉर्मल्डिहाइड, हम इससे क्या ऑब्टेन कर रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड ऑब्टेन कर रहे हैं, हमारा क्या बन रहा है फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है। ठीक, तो फॉर्मल्डिहाइड कैसे बन रहा है, देखिए हमारा फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए फॉर्मल्डिहाइड हमें क्या मिल रहा है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो फिर वहीं पर यहाँ पर भी फिर वही समझाना पड़ेगा मुझे आपको, CH2OH हमने क्या लिया, हमने लिया डायोज, और फॉर्मल्डिहाइड कैसे बन रहा है आपको मैं तरीका बताती हूँ, देखिए CHO, ये है HCHO, तो ये हो गया HCHO, ठीक हो गया HCHO, ठीक है HCHO, CHO ग्रुप बन गया आपका, या आप ऐसे समझ लीजिए इसको ऐसे कर लीजिए सीधे, बढ़िया सबसे बढ़िया, ये H2, एक H यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला, दो H निकल गया और एक O निकल गया, H2O वहां निकल गया, तो बचा क्या CHO और CHO, H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गया और हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया फॉर्मल्डिहाइड बन गया। डायरेक्टली मैंने ऐसे एक्सप्लेन करके बता दिया कि आप इसमें से CHO बनाना है तो ये हो गया CHO, ठीक है ये हो गया CHO और एक H यहाँ से लिया, ये हो गया। ठीक है, ऐसी
HCHO यहाँ से निकल गया, तो एक एच यहाँ पर का बचा है, एक एच यहाँ पर का बचा है, एक यहाँ से ले लिया, क्या निकल गया H2 निकल गया, हमारा क्या बन गया फॉर्मेलिडिहाइड बन गया। कहने का मतलब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में आप कितने भी हो कहीं से भी ले सकते हो, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जब आपने ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करी, बट कंडीशन याद करनी पड़ेगी कि जब हम इसकी रिएक्शन KMnO4 के साथ करा रहे हैं, जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, KMnO4 या K2CR2O7 के साथ करा रहे हैं, तो हमारे पास KMnO4 K2CR2O7 के साथ फॉर्मिक एसिड बनता है, लेकिन जब हम इसकी रिएक्शन HIO4 के साथ बनाता है, हमारे पास क्या बन रहा है फॉर्मेलिडिहाइड की प्राप्ति हो रही है। सो दीज आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोल। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, हीटिंग विद ZnCl2, जब ग्लाइकोल को किसके साथ ट्रीट करते हैं, ZnCl2 के साथ ट्रीट करते हैं, तो हमारा देखिए यहाँ से ZnCl2 के साथ रिएक्शन करने से हमारा क्या होगा, ये हो गया हमारा मॉलिक्यूल्स ZnCl2 H2 को बाहर निकाल देता है, तो H2 को कैसे निकालेगा, ये देखिए H2O, दो एच और एक ओ, H2O बाहर निकल गया, तो क्या बन गया ये दो CH2 और ये क्या हो गया H, क्या हो गया CH3CHO, क्या मिल गया एसिटाइल्डिहाइड की प्राप्ति होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। डिहाइड्रेशन का मतलब तो समझते ही होंगे, डिहाइड्रेशन का मतलब था किसी भी चीज में से पानी को एलिमिनेट करना, वो हमारा क्या कहलाता है डिहाइड्रेशन। बट बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि कैसे बाहर निकलेगा, बाहर निकलने का तरीका मैंने बता दिया, H2 यहां से लिया, O यहां से निकल गया, क्या निकल गया H2 निकल गया, क्या हो गया ये C2 ये हो गया, एक ये होगा, टोटल मिलाकर कितना होगा 3 CH3CH2, यानी कि एसिटाइल्डिहाइड की प्राप्ति होती है। सिमिलरली व्हेन हीटेड अलोन विद Alone at 500 degree Celsius, it gives the ethylene glycol. जब हम इसको किसके साथ ट्रीट करते हैं, किसी के साथ ट्रीट नहीं करते, हम सिर्फ हीट करते हैं, तो हमारे पास क्या मिलता है, हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी कि क्या दिख रहा है आपको CH2CH2O, हमारे पास क्या मिल रहा है CH2CH2O। तो हमने कैसे एलिमिनेट कर, ये देखिए इसमें से भी निकालने का तरीका है, हमारे पास सब चीज के प्रोसीजर हमारे पास अवेलेबल है, हम क्या निकालेंगे H2 निकाल देंगे। देखिए H2 कैसे निकालेंगे, यही आपको सीखना है कि आपको H2 को कैसे निकालना है। H2 को निकालने का तरीका है, आप ये लीजिए H2 और O, ऐसे H2 निकाल दीजिए, दो H और एक O, H2 एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, ये CH2, ये CH2, ये रहा CH2, ये रहा आपका CH2, दिस इज द CH2 और बीच में क्या बच गया O, यानी कि साइक्लिक कंपाउंड बनता है। जब इसको डायरेक्टली हीट करते हो, किसी रिएजेंट की जरूरत नहीं होती है, ठीक। इसी तरह से अगर आप हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करते हो, तो यू टेक द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल तो क्या है हमारे पास फॉर्मूला, इथाइलिन ग्लाइकोल CH2OH CH2OH, आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल फॉर्मूला यही होता है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल को हम ऐसे लिख सकते हैं CH2OH CH2OH, ठीक है। तो हम दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं CH2OH, ये हो गया CH2OH, इथाइलिन ग्लाइकोल के टू मॉलिक्यूल हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कैसे हीट कर रहा है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो कैसे निकलेगा H2O, देखो OH यहां से लिया, H यहां से लिया, क्या निकल गया H2, ठीक है। OH यहां से लिया, H यहां से निकल गया, क्या निकल गया H2, दोनों तरफ से H2 निकल गया, यानी कि कहने का मतलब है आप इसको ऐसे समझ सकते हो, OH यहां से लिया, OH यहां से लिया और OH यहां से लिया और H यहां से लिया, H2 निकल गया, ठीक है। OH यहां से लिया, H यहां से निकल गया, क्या निकल गया H2 निकल गया, बचा क्या ये CH2, ये CH2, एक ब्रिज में O बचा है ये वाला, इधर ब्रिज में बचा है O और ये बन गया आपका साइक्लिक कंपाउंड, जिसे हम क्या कहते हैं फाइनली ग्लाइकोल, साइक्लिक ग्लाइकोल के नाम से जानते हैं। तो दीज आर द रिएक्शन टू प्रिपेयर टू दीज आर द रिएक्शन विच एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्लाइकोल। इसके बाद हमारा कुछ दो चार यूजेज ग्लाइकोल के, कि हम ग्लाइकोल को कहां यूज कर सकते हैं, तो यूज ऑफ ग्लाइकोल, इट इज यूज्ड एज एंटीफ्रीज सब्सटेंस विच प्रिवेंट द फ्रीजिंग ऑफ वाटर इन कार एडिटर इन कोल्ड कंट्रीज। ये आपको मैं पहले भी कई इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ, इसका यूज कार एडिटर में किया जाता है, कोल्ड कंट्रीज में जब कार के इंजन ठंडे हो जाते हैं, तो ये कार एडिटर में एज ए एंटी ऑक्सीडेंट आपका इसके एंटी फ्रीज की तरह काम करता है। ड्यू टू हैज हाई विस्कोसिटी, इट इज यूज द हाइड्रोलिक ब्रेक, प्रिंटिंग इंक, बॉल पेन इंक्स और मिक्स सॉल्वेंट। क्योंकि इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, इसलिए इसका यूज क्या होता है प्रिंटिंग इंक बॉल में, हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह में यूज किया जाता है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डेक्रॉन डाइऑक्सिन, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया दिस इज द डाइऑक्सिन प्रोडक्ट, तो इसका यूज डेक्रॉन, डेक्रॉन एक टाइप का पॉलीमर है, पॉलीमर बनाने में, डाइऑक्सिन बनाने में इसका यूज किया जाता है। एज ए सॉल्वेंट, एज ए प्रिजर्वेटिव, इसका यूज सॉल्वेंट तथा प्रिजर्वेटिव की तरह भी होता है, ठीक है, ये प्रिजर्वेटिव की तरह भी होता है। एट ए कूलिंग एजेंट इन एरोप्लेन, ठीक है, कार एडिटर में ही नहीं, इसका यूज एरोप्लेन्स वगैरह में भी किया जाता है, एज ए कूलिंग एजेंट की तरह किया जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल आर कन्वर्टेड टू पॉलीमर्स सच एज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑफ डेक्रॉन फाइबर, फोटोकैपिंग फिल्म एंड कैसेट टेप्स, जो आपके अनब्रेकेबल प्लास्टिक होते हैं, यानी कि हार्ड प्लास्टिक होते हैं, प्लास्टिक जो जनरल लाइफ में यूज करते हैं, एक प्लास्टिक होते हैं जो नीचे गिरने पर टूटती नहीं है, अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक जिसका यूज हम घर वगैरह घर में करते हैं कॉपरीज वगैरह बनाने में,
तो वो एक टाइप का डेक्रॉन है, डेक्रॉन हमारा पॉलीमर्स है जो किससे बनता है, इथाइलिन ग्लाइकोल के थ्रू बनाया जाता है। तो दीज आर द मेथड टू दीज आर द मेथड विच कैन बी यूज टू ग्लाइकोल इन द डेली लाइफ। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्लाइकोल कंप्लीटेड। सो नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन दैट ट्रायोज, हमारा ग्लाइकोल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे ट्रायोज, यानी कि इसका पार्ट 9 स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।